सर मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने अपना 10th का एग्जाम दे दिया है, अब मुझे क्या करना होगा, किस बुक से पढ़ाई करनी होगी, किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना होगा, कौन सा बोर्ड हमारे लिए सही है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या जो अदर स्टेट बोर्ड हैं। यह सवाल बहुत से बच्चों के दिलों में है और आज की हमारी वीडियो ऐसे ही बच्चों के लिए मैंने बनाई है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक और अपने चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर बनने वाले या डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाले हर एक बच्चे के लिए हमारा चैनल बनाया गया है। बेसिकली जो बच्चे रूरल एरियाज से हैं, जिनकी लैंग्वेज हिंदी है, उनको हम चाहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएं और फ्यूचर में आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएं। डॉक्टर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने साइंस स्ट्रीम से अपना एडमिशन आगे कंटिन्यू करना है, यानी कि आपको 11th में साइंस लेना है। साइंस मीन्स आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना कंपलसरी है, और अगर आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ में अपना 10+2 कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया 10th का, अब आप 11th में गए हैं, और अगर आपने 11th से ही अपना एक एम क्लियर कर लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको आसानी होगी डॉक्टर बनने में, क्योंकि जिनकी मंजिल फिक्स होती है तो वो रास्ते खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। आपको एक काम करना है कि अब आप सिंपल सी एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए, बोर्ड कोई भी हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो सीबीएसई हो या कोई स्टेट बोर्ड, किसी भी बोर्ड में कोई कमी नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका होगा। आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, आपको एनसीईआरटी की बुक ले लेनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस बुक को आपको अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। बेशक छुट्टियां चल रही हैं, बट आपके लिए एक एक दिन, एक एक घंटा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो जुलाई तक आप अच्छे से अपने फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फिनिश कर लेंगे और दूसरे बच्चों से आप हमेशा आगे रहेंगे। आज से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और डेली आप 2-3 पेजेस भी पढ़ेंगे ना, तो भी आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट एग्जाम, जो कि बेसिकली मेडिकल में एडमिशन के लिए होता है, उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप डॉक्टर बन पाएंगे। 3 बुक मैंने बोल दी है कि आपको फर्स्ट ईयर की सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले लेनी है। अभी आप 10+2 की बात नहीं करेंगे, अभी आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। आप एनसीईआरटी को पढ़िए, उसको समझिए, अगर कोई डाउट होता है तो उसको आप नोट कर लीजिए, टीचर्स से अपने डिस्कशन करिए, आप हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन एग्जाम्पल्स को देखिए, उनको सॉल्व करिए, और पढ़ने के बाद आप अपने लिए एक शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। अगर आप 11th से ही लगातार कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं तो आप अपने पहले ही प्रयास में MBBS डॉक्टर बन सकते हैं, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। और बहुत अधिक मेहनत नहीं करना है, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी, 6 घंटे आपको पढ़ना है, 6 घंटे आपके स्कूलिंग के हो जाएंगे, 12 घंटे अगर आप आज से स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं तो कोई भी इस दुनिया में आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकता है। अब आप कहेंगे सर मैं तो गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, तो भैया डॉक्टर बनने के लिए गरीबी अमीरी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि भाई डॉक्टर बनना है तो उसके लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा। आप चाहे तो अभी प्राइवेट ट्यूशंस दे दीजिए, जो बच्चे आपके जूनियर से 9th में, 10th में या फिर 8th में, आप उनको पढ़ा सकते हैं, एक अच्छा स्कोप है, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। अब्दुल कलाम साहब को आप सब जानते हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर बेचा, या जिन्होंने इतिहास लिखा है, ऐसा नहीं है कि कोई अंबानी के परिवार से बिलोंग करते थे, सभी एक आम इंसान से, सभी गरीब थे, बट अपनी गरीबी को साइड में कर उन्होंने पढ़ा, स्टडी को अपना जो है अपना कहते हैं कि दोस्त बनाया। आप अंबेडकर साहब को जान लें, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कितने गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पढ़ाई की और इतनी पढ़ाई की, इतनी डिग्रियां ले ली कि आज भी लोग सोचते हैं कि क्या यह संभव था, कितना ज्ञान उनको है। तो इसीलिए डॉक्टर बनना है सिंपल से 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको पढ़ते रहो, इतना पढ़ो कि आपको सब कुछ आपके टिप पे आ जाए। प्रैक्टिस इतनी कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको लगे कि हाँ भाई मैंने तो ये पढ़ा है, जिस दिन आप ऐसे क्वेश्चन को देखा फट से सॉल्व कर दिया, सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। और वही बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं जो काम चोरी करते हैं।
अपने आप से सही बोलो, रेगुलर प्रैक्टिस करो। जब तक 11th और 12th कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में आप नीट एग्जाम में 650 स्कोर नहीं कर लेते हो, तब तक कोई दोस्ती यारी मत करना यार। 11th से ही दोस्त, अक्सर लड़कों लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस अक्सर आ जाते हैं, फिर उनको बहुत सी याद आती है भैया मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। और जो बच्चे इन चुचलों में पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी आखिर में फिर बहुत ही अंधकार में रहती है। मैं चाहता हूं कि आप सभी प्लीज़ ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में ना आए जो कि आपको आपकी मंजिल तक जाने से रोके। एक एम है कि MBBS करना है तो करना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। जब हमारा MBBS कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद PG करेंगे, और उसके बाद हम एक अच्छे डॉक्टर बनकर पूरे भारत में अपना नाम करेंगे, बहुत से बदलाव लाएंगे, गरीबों की जो है मदद करेंगे और अपने माँ बाप के सपने को साकार करेंगे। इस मेंटेलिटी से पढ़िए तो अगले फ्यूचर डॉक्टर आप सभी हो सकते हैं। आई होप गाइस कि मैंने अपनी इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के बहुत से सवालों का आंसर दे दिया होगा। अगर अभी भी आपके दिल में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स कर सकते हैं, और हम आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बेसिक्स, जो जहां तक मुझे पता है, मैं आप सबको हर एक चीज समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको डॉक्टर बनने से कोई भी रोक ना पाए या डॉक्टर बनने में कोई भी अवरोध ना आए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को आप शेयर कर दें अपने उन सभी फ्रेंड्स को या उन सभी पेरेंट्स को जो अपने बेटे या बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ताकि उनका एक सिंपल साइन रहे कि 11th में साइंस लेना है। ना सिर्फ साइंस लेना है, साइंस को पढ़ना है और समझना है, और उसके बाद हम डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम जब दें तो पहले ही अटेम्प्ट हमारा सिलेक्शन हो जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर, सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।